इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में विवाह समारोह के दौरान विवाद की घटना सामने आई है, जहां सरपंच पति ने सब्जी परोसने वाली चम्मच से युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी नाक पर गंभीर चोट आई है। चंद्रागंज पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस फरियादी नितेश घारू की शिकायत पर पुलिस ने ईशान उर्फ विट्टू के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ रंगदारी करते हुए शराब के लिए पैसे की मांग की थी। कहा सुनी के बाद दोनों में विवाद हो गया, जहां फरियादी पर आरोपी ने सब्जी परोसने के बर्तन से हमला कर उसे घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी की पत्नी सपना गांव की सरपंच है, वहीं पीड़ित की मां और आरोपी की पत्नी आमने सामने चुनाव लड़े थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या हुआ? कल मैं एक शादी समारोह में गया था, तो वहाँ पर सरपंच पति, जो दबंग सरपंच पति है, उसकी पत्नी सरपंच है और वो दबंगा ही करता है। उसने मेरे से शराब पीने के लिए पैसे मांगे 500 रुपये, बोले शराब के लिए पैसे दे। मैंने बोला मेरे पास शराब के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे गाली गलौज बरती। और जो शादी में खाना खिलाने सब्जी का जो कमंडल रहता है, उस कमंडल से मुझे मार दी यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर चोट आई है। चंद्रावतीगंज का मामला है। कौन सी पंचायत है? चंद्रावतीगंज में, चंद्रावतीगंज पंचायत है, पंचायत चंद्रावतीगंज लगती है और सरपंच का नाम है सपना ईशान भेरवे उर्फ बिट्टू। ईशान भेरवे ने आपसे? हाँ, ईशान भेरवे ने मुझसे। कोई पुराना विवाद था आपका या? कोई पुराना विवाद नहीं, मैं उसके सामने सरपंच का चुनाव लड़ा था, तो वो उस कुछ रंजिश लेके चल रहा है मेरे साथ में, वो मेरे से कोई बात नहीं करी। उसने बस डायरेक्ट ये पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद में लड़ाई करने। आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में शिकायत की है और मेरे पास एक वीडियो भी बनाई है, जहाँ पे पुलिस को भी उसने बहुत गाली दी है और थाने के अंदर मुझे गाली दी है। वो बोले मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और थाने के बाहर जान से मार दूंगा, तेरे को निकलने के बाद जान से मार दूंगा। उसकी वीडियो क्लिप पूरी मेरे पास बनी है। थाने के अंदर पुलिस को नहीं समझ रहा है वो, चुनाव आयोग को नहीं समझ रहा है वो, और थाने के अंदर भी गाली बकी, चुनाव आयोग को गाली बकी। उसने बोले मेरा कुछ भी कोई नहीं कर सकता, मैं सरपंच हूँ यहाँ का और मैं सबके साथ यही बर्ताव करूंगा। सांवेर से अरविंद पटेल की रिपोर्ट।